हेलो फ्रेंड्स, मैं लीना और आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम बात करें तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं, बहुत सारे ऐसे जूस भी हैं और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि आप इसको खा के अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं, आप इसको खा के अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इकट्ठा बढ़ा नहीं है, उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल लेवल इकट्ठा कम भी नहीं हो सकता। जिस तरह से ओबेसिटी है, मोटापा है, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर हमको पता चलता है कि हम मोटे हो रहे हैं, उसी तरह से जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है ये भी धीरे धीरे बढ़ती है। इसके हमको लक्षण जरूर देखते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन ये हमको पता नहीं चलता कि ये कोलेस्ट्रॉल ही है जो हमारे शरीर में बढ़ रहा है और उसको हमको लक्षण दिख रहे हैं। जब ये आवश्यकता से अधिक हो जाता है और कुछ ऐसे संकेत देता है जो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं, तब हमको इस बात का पता चलता है कि अच्छा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। तो अब उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने में जितना समय लगा है, घटने में भी उतना ही समय लगेगा। तो कोई ऐसी चमत्कारिक दवा नहीं है कि वो एक दिन में, दो दिन में आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देगी। हाँ, जो आपके लक्षण हैं या फिर जो रिस्क है उसको कम कर किया जा सकता है, लेकिन एकदम से कोलेस्ट्रॉल को दो दिन में हम खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए आपको महीने, दो महीने, चार महीने, छह महीने का समय लगेगा। आपका जो खान पान है, आपकी जो जीवन शैली है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आप उसको बदल दें, साथ ही आप अगर दवाओं का सेवन करें तो 100% हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या भी है और छोटी समस्या भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। अगर हम हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से ना सिर्फ हमारा दिल बल्कि हमारी किडनी, हमारा ब्रेन सभी प्रभावित होते हैं। शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत भी पड़ती है। हमारे शरीर में जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनके रिपेयरिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एक केमिकल कंपाउंड की तरह काम करता है, लेकिन जब इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, हमारा खान पान अच्छा नहीं रहता है, जैसे कि अगर हम बहुत अधिक फास्ट फूड का सेवन करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में ऐसी चीजें लेते हैं जिनमें शुगर बहुत अधिक मात्रा में है, या फिर बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें लेते हैं, बहुत अधिक मात्रा में हम मीट मांस का यूज करते हैं, या फिर बहुत अधिक मात्रा में जो कार्बोज वाली चीजें हैं उनका यूज करते हैं, बहुत ज्यादा फैटी चीजें लेते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ही बढ़ने लगता है और हमारे सेल्स ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाती हैं कि वो ब्लड वेसल्स में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं टमाटर का, जिसको हम टोमेटो कहते हैं, इसको टमाटर बोलते हैं हिंदी में। तो टमाटर का उपयोग करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले जो दवाएं होती हैं वो बहुत महंगी आती हैं, तो नॉर्मल व्यक्ति इसको इफेक्ट नहीं कर पाता है, नहीं ले पाता है। जो व्यक्ति दवाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं, वो टमाटर का यूज करके अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि टमाटर कोई दवा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये हमारे खाने के थ्रू ली जाने वाला एक ऐसा फल है, एक ऐसी सब्जी है जिसके द्वारा हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टमाटर किस तरह से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा? टमाटर में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ ही इसमें लाइकोपीन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। इसके अलावा इसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर भी मिलता है, पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है और नियासिन भी मिलता है। अब नियासिन क्या है? नियासिन विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स होता है उसी के ग्रुप का एक विटामिन है, जिसको हम बोलते हैं विटामिन 3। तो ये जो विटामिन 3 है और फाइबर है, साथ ही जो ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये सभी मिलके कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम करने में हेल्प करते हैं। तो टमाटर ज्यादा महंगा भी नहीं है, इसको आसानी से आप अपने उपयोग में ले सकते हैं। आप इसको सलाद के रूप में यूज कर सकते हैं, चटनी के रूप में यूज कर सकते हैं, सब्जी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसका जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सूप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपनी डाइट में गार्लिक का यूज कर सकते हैं। गार्लिक, जिसको हम लहसुन कहते हैं, आप लहसुन का प्रयोग अपने
खाने में करिए। अब इसका आप प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, लहसुन को आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। जैसे आप सुबह चाय पीते हैं, चाय की जगह पे आप एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए और सिर्फ दो कली लहसुन की लीजिए, लहसुन को चबा के खा जाइए और पानी को पी लीजिए। बस यही आपको डेली करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो लहसुन होता है इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं लहसुन में जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आपको मोटापे की दिक्कत है, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी लहसुन बहुत हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें कि लहसुन में कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो इसमें सल्फर पाया जाता है, एसिडिन पाया जाता है और फ्लेवोनॉइड पाया जाता है। फ्लेवोनॉइड पाया जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो ये लहसुन है, इसके साथ अगर आप जिंजर को भी ऐड कर लें, जिंजर मतलब कि अदरक, अगर आप लहसुन और अदरक दोनों का एक जूस तैयार कर लें और उसका इस्तेमाल करें, तो आपका जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल है, चाहे जितना ज्यादा बढ़ा हुआ हो, वो बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आप इसका सेवन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बस ये जो लहसुन है और अदरक है, इन दोनों का आपको जूस लेना है। जो कप होता है चाय वाला, जो कप होता है, उस कप से आधा कप आप क्या लीजिए, जो लहसुन का लहसुन है उसका रस लीजिए, और वही आपको लेना है अदरक का रस लेना है, और इसके साथ ही आपको आधा कप लेना है सेब का रस, और इसमें आप मिलाएंगे नींबू। नींबू बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नींबू भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है। उसमें भी विटामिन सी होता है और साथ ही बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमको आधा कप लहसुन का रस लेना है, आधा कप अदरक का रस लेना है, आधा कप सेब का रस लेना है, और साथ ही आधा कप नींबू का रस भी लेना है, और फिर इन चारों को हमको मिक्स कर देना है, और मिक्स करके एक ऐसे एयर टाइट कंटेनर में रख देना है, मतलब जो कांच का जार आता है आप उसमें रखिए, जिसका ढक्कन पूरी तरह से टाइट हो, उसमें आप मिक्स करके इस जूस को रख दीजिए। और फिर सुबह जो मैंने लहसुन खाने की बात कही, आप लहसुन मत खाइए, लहसुन की जगह पे आप सुबह एक चम्मच उस जूस को पी लीजिए। आप अगर कंटिन्यू ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको शुरू करने से पहले अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, देख लीजिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, और उसके बाद कम से कम 15 से 20 दिन इसका सेवन करिए, और उसके बाद फिर देखिए, ब्लड टेस्ट करवाइए और देखिए कि कितना आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुआ है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप या चाहें तो टमाटर का भी यूज कर सकते हैं, और टमाटर के साथ चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर बहुत अधिक बढ़ा हुआ है तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं इसको नहीं ले पाऊंगा, तो फिर आप इससे ही अपना काम चला सकते हैं, अपने बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं, और अपने दिल की जो समस्याएं हैं, दिल की होने वाली जो बीमारियां हैं, उनसे काफी हद तक खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।